हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में, यानी कि वेस्टर्न घाट हिल्स के बारे में। और इस हिल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसमें जो पर्वत चोटियाँ हैं वो सब कौन कौन सी हैं, उसकी ऊँचाइयाँ कितनी है, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपके, तो आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। उससे पहले जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलती रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया हुआ था, मतलब ईस्टर्न घाट हिल्स के बारे में बताया था। उसको हम लोग महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी थी वह है महेंद्रगिरी, यह भी मैंने बताया था। तो इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियो में जा करके भी देख सकते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला यानी कि वेस्टर्न घाट हिल्स, इसका जो विस्तार है वह ताप्ती नदी से, मतलब ताप्ती नदी के दक्षिण से होकर के कर्नाटक, केरल होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, और यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी से होते हुए यह, उसके दक्षिण से होते हुए यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु करते कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, और यह लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है कि यह सतत रूप से आगे बढ़ता गया है, मतलब यह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता ही गया है, कहीं पर कोई भी कटान या छटान नहीं है, यह एकदम से नीचे की ओर बढ़ता ही गया है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें जो भी पहाड़ियां हैं या जो भी चोटियां हैं वह लगातार नीचे की ओर जाने से उसकी ऊंचाइयां बढ़ती ही गई हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटी पहाड़ियां थोड़ी सी कम ऊंचाई की मिल जाएगी, लेकिन इसका अधिकांश जो चीजें हैं वह ऊपर से नीचे जाने की ओर बढ़ता ही गया है इसका ऊंचाई। और दोस्तों, यह जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है इसमें बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, वह बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं जिसके कारण से पश्चिमी तटीय मैदान वाले जो शहर हैं, जो जगह हैं, वहां से पूरब की ओर जाया जाता है उसी घाट के माध्यम से ही, मतलब उस दर्रों के माध्यम से। तो आपको यह भी ध्यान में रखना। दोस्तों, यहां से आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा गुजरात वाला राज्य में, यहां पर दो पहाड़ियां हैं, एक है बारदा पहाड़ी, दूसरा है गीर पहाड़ी। और ये जो गीर पहाड़ी है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला यानी कि सह्याद्री, तो सह्याद्री के ऊपर वाला हिस्सा से यह गीर पहाड़ी लगा हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जुड़ा हुआ है यह गीर पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। और यह जो गीर पहाड़ी है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एशियाई सिंह के यहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एशियाई शेर केवल और केवल गीर पहाड़ी पर ही पाया जाता है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है यह, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में ही यह बारदा पहाड़ी और गीर पहाड़ी है, और यहीं गीर पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसका जो है हिस्सा वह उत्तरी सह्याद्री के साथ में मिला हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग को उत्तरी सह्याद्री में मिलेगा सातमाला श्रेणी, फिर उसके नीचे जाएंगे तो कालसुबाई चोटी जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर, यह प्राप्त हो जाएगी कालसुबाई चोटी। तो यह उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी है यह कालसुबाई चोटी। उसके नीचे जाने से अजंता श्रेणी की पहाड़ियां, पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाने पर हरिश्चंद्र की पहाड़ियां मिलती है। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, हरिश्चंद्र के पूरब की ओर आप लोग जाएंगे तो बालाघाट श्रेणी मिलती है। तो बालाघाट की पर्वत श्रेणियां जो है वह बालाघाट पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र में है पूरब साइड की ओर हरिश्चंद्र पहाड़ी के। फिर उससे नीचे जाएंगे तो महाबलेश्वर चोटी मिलेगी, यानी कि महाबलेश्वर चोटी, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है और इसमें अच्छे अच्छे माउंटेन पीक्स हैं, तो आप लोग महाबलेश्वर चोटी को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये सातमाला श्रेणी, कलसुबाई चोटी, बालाघाट श्रेणी और महाबलेश्वर चोटी, ये सारे के सारे महाराष्ट्र राज्य में। फिर हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं तो हमें कर्नाटक राज्य में तीन प्रमुख पहाड़ियाँ मिलती हैं। यह जो है तीन प्रमुख पहाड़ियाँ, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों को लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा अयस्क प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कुद्रेमुख पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये
यहाँ से लोह अयस्क का खनन किया जाता है, यानी कि लोह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो पहला है कुद्रेमुख पहाड़ी, दूसरा है बाबा बुदन की पहाड़ी, और तीसरा है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसकी ऊंचाइयाँ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1892 मीटर है कुद्रेमुख पहाड़ी की, 1926 मीटर है बाबा बुदन की पहाड़ी, और 1608 मीटर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ये कर्नाटक में है यह तीनों पहाड़ियाँ। अब हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं तो हमें नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम या इलायची पहाड़ी और पालनी हिल्स मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ जानना है कि ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, यह आपस में जहाँ पर मिलती हैं वह नीलगिरी पहाड़ी होती है। आप लोग मैप में थोड़ा सा देख सकते हैं, तो यह नीलगिरी पहाड़ी होती है और यह जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थान है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर आपको एक पर्वत चोटी प्राप्त होती है, यानी कि पर्वत जो चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, यानी कि दोदा बेटा। यह जो है दक्षिण भारत का या तो फिर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। तो यह सब सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा जितनी भी जानकारियां होंगी। तो नीलगिरी पहाड़ी है, उसके नीचे में जाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, यह कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। यह जो है अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और इसमें भी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है अन्नामुदी, वह है अन्नामुदी। और इसी अन्नामुदी से एक जो है, या फिर अन्नामलाई से एक इसका विस्तार है उत्तर की ओर, एक है उत्तर पूर्व की ओर और एक है दक्षिण की ओर। यह कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये जो है अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, यहीं पर अन्नामुदी या यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये इस वाले जो हिस्सा में, इस वाला जो भाग है फैला जो है इस पहाड़ी में, यहाँ पर है हमारा पालनी हिल्स, यहाँ पर है हमारा पालनी हिल्स। और नीचे में जो है दक्षिण में इसका जो फैलाव, इसका जो विस्तार हुआ है कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस अन्नामोदी या अन्नामलाई पहाड़ी की, वह नीलगिरी के साथ में थोड़ा सा गैप के बाद में इसका ऊपरी वाला सिरा नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार है हमारा कर्नाटक राज्य में, केरल राज्य में और तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर है, इसी नीलगिरी पहाड़ी पे आपको साइलेंट वैली भी देखने मिलता है। तो दोस्तों इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं क्या क्या जानकारियाँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं। इसका विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर है, यह ध्यान रखेंगे। पहला अब है गुजरात राज्य से देखते हैं। तो पहला है गुजरात की पर्वत श्रृंखला पहाड़ी या हिल्स के बारे में। मैप में भी आप लोग देख रहे हैं तो बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बारदा पहाड़ी है, यह गुजरात के सौराष्ट्र में फैला हुआ है, यानी सौराष्ट्र के बीच जामनगर में फैला हुआ है। तो बारदा पहाड़ी का जो विस्तार है वह गुजरात के सौराष्ट्र के जामनगर में है इसका विस्तार। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आबपरा, यह है इसका सबसे ऊंचा चोटी आबपरा, यह याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है गिर पहाड़ी, तो गिर पहाड़ी भी है, यह गिर पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह जो गिर पहाड़ी है वह गुजरात के ही जूनागढ़ में स्थित है इसका विस्तार। और इसका जो विस्तार है वह उत्तरी सह्याद्री के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो विस्तार है यह उत्तरी सह्याद्री के साथ में मिला हुआ है, यह दोनों आपस में थोड़ा मिलते हैं, तो यह इसका विस्तार है उत्तरी सह्याद्री के साथ में। और है यह इम्पोर्टेंट दोस्तों कि गिर पहाड़ी एशियाई शेरों या सिंह के लिए विख्यात या प्रसिद्ध है। तो यह जो गिर पहाड़ी है वह एशियाई शेरों या एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। यह जो एशियाई शेर है, शेर यानी कि जिसके बाल एकदम बड़े बड़े से होते हैं यहाँ गर्दन के पास में, तो यह एशियाई शेर या एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि एशिया में, पूरे एशिया में या फिर आप कहेंगे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ गिर की पहाड़ी पर ही ये एशियाई शेर पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग बब्बर शेर भी कहते हैं। तो बब्बर शेर के लिए जो गिर पहाड़ी प्रसिद्ध है, यह जो है बब्बर शेर जिसके घने घने बाल होते हैं गर्दन पर, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सी पहाड़ी विख्यात है, या तो फिर निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर सिर्फ और सिर्फ एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गिर पहाड़ी।
यह जो है गिर पहाड़ी। अब हम महाराष्ट्र में जो स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत चोटियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा सातमाला श्रेणी। तो इसका जो विस्तार है वह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। तो यह इसका विस्तार है महाराष्ट्र के नासिक में, सातमाला श्रेणी आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे। दूसरा है कालसुबाई चोटी। तो यह है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित। तो यह सातमाला श्रेणी के साथ साथ कालसुबाई चोटी भी जो है वह नासिक में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कालसुबाई चोटी की जो ऊंचाई है वह 1664 मीटर है। तो यह इम्पोर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है। यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यह जो कालसुबाई चोटी है वह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब सह्याद्री तो है पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर साइड की और सह्याद्री की, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई चोटी, आपको यह याद कर लेना है। कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र का सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों यह जो कालसुबाई चोटी है यह भी इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र राज्य का सबसे ऊंची चोटी है यही कालसुबाई चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। तो आपको ये जो है इसकी ऊंचाई यह इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और यह महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कालसुबाई चोटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अजंता श्रेणी। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों यह जो अजंता श्रेणी है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और इसी पे अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसी जो पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रृंखला है, उसी में अजंता की गुफाएं भी पाई जाती हैं, इसी अजंता श्रेणी में, आपको यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा हरिश्चंद्र पहाड़ी, जो कि हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। तो यह है कि इसका नाम हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया, राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम हरिश्चंद्र पहाड़ी पड़ा है। इसके बाद है हमारा बालाघाट श्रेणी, आप लोग मैप में देख रहे हैं, यह है बालाघाट श्रेणी। और इसका जो विस्तार है यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आप लोग देख रहे होंगे मैप में थोड़ा इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब कि इधर से यह इस प्रकार फैला हुआ है। तो उत्तर पश्चिम से लेकर के यह दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार है, और यह पहाड़ी उत्तर में गोदावरी तथा दक्षिण में भीमा नदी के बीच घिरा हुआ है। तो यह जो पहाड़ी है, मान लेते हैं यह पहाड़ी इस प्रकार से है, तो ऊपर की ओर हम लोग देखते हैं तो इधर है हमारा गोदावरी पहाड़ी, सॉरी गोदावरी नदी, और नीचे में है हमारा भीमा नदी। तो भीमा नदी तो इसी के बीच में है यह हमारा बालाघाट श्रेणी, जो कि इसका विस्तार भी है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर। आपको यह याद रखना है कि निम्न में से कौन सा पहाड़ी जो है वह जिसका विस्तार गोदावरी और भीमा नदी के बीच में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाघाट श्रेणी। अब है हमारा जो है महाबलेश्वर चोटी, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इतने ज़्यादा जानकारियाँ हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो महाबलेश्वर चोटी क्या है, तो यह महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। तो यह जो महाबलेश्वर चोटी आप लोग देख रहे हैं यह महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1438 या पर कहीं कहीं पर 1530 मीटर भी दिया हुआ रहता है। तो महाबलेश्वर चोटी की जो ऊंचाई है वह 1438 मीटर या तो फिर 1530 मीटर, यह दिया हुआ रहता है। तो दोनों में से अगर ऑप्शंस के हिसाब से आप लोग इसको सही करेंगे तो महाबलेश्वर चोटी की जो ऊंचाई है वह 1438 या तो फिर 1530 मीटर है, यह सतारा में स्थित है महाबलेश्वर चोटी। अब है महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, और इसके साथ साथ अन्य चार नदियां भी निकलती हैं। यह महाबलेश्वर चोटी जो है इसी से हमारा कृष्णा नदी निकलती है, और साथ ही साथ चार अन्य नदियां कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री, यह भी इसी महाबलेश्वर चोटी से ही निकलती हैं। तो आपको यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है या तो फिर चार ऑप्शन दिया रहेंगे तो उसमें से हम लोग महाबलेश्वर चोटी को ही आंसर करेंगे। तो आपको यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है, महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी और साथ ही साथ अन्य चार नदियां निकलती हैं, इसका उद्गम है कृष्णा नदी का। यह जो महाबलेश्वर चोटी है यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी महाबलेश्वर ही थी। तो दोस्तों यह जो महाबलेश्वर है, जो महाबलेश्वर चोटी है, यह
उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, क्योंकि अंग्रेज लोग ग्रीष्म के महीने में मतलब गर्मी के महीने में महाबलेश्वर चोटी में ही अपनी राजधानी यानी अपना काम काज वहीं पर किया करते थे। तो आपको यह भी याद रखना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्न में से कौन है, तो इसका उत्तर आप लोग करेंगे महाबलेश्वर। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, मंकी पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। यह यहाँ के दर्शनीय स्थल है, आपको बता रहा हूँ। तो विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, मंकी पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, यह महाबलेश्वर में स्थित है। यह महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। तो इसमें है क्या, इसको बता रहा हूँ। उससे पहले फिर महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और शहतूत के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह जो महाबलेश्वर है वह स्ट्रॉबेरी और शहतूत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी और शहतूत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और इसका जो मिठास है वह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी कारण से यह महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और शहतूत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंकी पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो मंकी पॉइंट है वह महात्मा गांधी के जो तीन बंदर थे उसके हिसाब से ही यह जो चोटी है, चोटी में ही तीन इस प्रकार से चोटे विस्तृत हैं, विस्तार है, जो महात्मा गांधी के तीन बंदर के जैसे ही दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका नाम मंकी पॉइंट रखा गया है, जो कि महाबलेश्वर में ही स्थित है मंकी पॉइंट। और एलिफेंट पॉइंट है तो एलिफेंट पॉइंट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यह हाथी के सूंड जैसा कहीं पर दिखाई देता है इसी महाबलेश्वर में। तो इसी कारण से ये जो है एलिफेंट पॉइंट और मंकी पॉइंट महाबलेश्वर में स्थित है, हाथी के सूंड जैसा दिखाई देने के कारण से इसका एलिफेंट पॉइंट नाम रखा गया है। तो यह जो एलिफेंट पॉइंट है और मंकी पॉइंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में या किस पहाड़ी पर या किस चोटी पर मंकी पॉइंट या एलिफेंट पॉइंट स्थित है, तो आप लोग इसका उत्तर करेंगे महाबलेश्वर। और यह जो है स्ट्रॉबेरी और शहतूत के लिए प्रसिद्ध है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो महाबलेश्वर जो चोटी है महाबलेश्वर, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। और यह मंकी पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो यह ध्यान रखना है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत में जो इसका जो ढलान है पश्चिमी घाट पर्वत का, वह पूर्व की ओर झुका हुआ है। वह किधर है, वह तो पूर्व की ओर झुका हुआ है। मतलब यह जो है अगर पहाड़ियां हैं तो यह अधिकतर इस प्रकार से ही हैं, जो पहाड़ियां हैं तो लगभग ये इसी प्रकार से झुकी हुई हैं। मतलब कि ये पश्चिम साइड की ओर हो गया, यह पूर्व साइड की ओर हो गया। तो यहाँ से अगर कोई भी नदियाँ निकलती है तो यह पूर्व की ओर ही बहती है, यह पूर्व की ओर ही बहती हैं। और पूर्व की ओर बहते हुए ये लोग बे ऑफ बंगाल में ही, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो इसी कारण से ये जो कावेरी नदी है, जो गोदावरी है, वे सब सारे के सारे पूर्वी घाट की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो कृष्णा नदी भी बहती हुई यह पश्चिम बंगाल मतलब सॉरी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो विशेषता है वह उसका जो ढलान है वह अधिकतर आपको पूर्व दिशा की ओर, पूर्व की ओर इसका ढलान है, तो आपको यह याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा महाराष्ट्र की जो पर्वत श्रृंखला थी उसमें सातमाला श्रेणी, कालसुबाई चोटी, अजंता श्रेणी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट श्रेणी और महाबलेश्वर चोटी, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा महाबलेश्वर चोटी और कालसुबाई चोटी। तो आपको इतनी जानकारी याद रखना है।